गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1, ईसा ट्रेवल 2.15 किलोमीटर बाय वॉकिंग, 5.75 किलोमीटर बाय अ बस एंड देन 30.25 किलोमीटर बाय अ लोकल ट्रेन। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन मीटर। ओके, ईसा ट्रेवल्स, व्हाट हैपेंड, ईसा ट्रेवल बाय वॉकिंग, by walking is equal to 2.15 किलोमीटर। ओके, बट यहां आपको आंसर फाइंड करना है किसमें, मीटर में। इस किलोमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। ये तो अभी यही कर ले, नहीं तो फाइनल जब हम सॉल्व कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, वहां पर हम इसको मीटर में चेंज कर देंगे ना। आप जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आंसर आपका किलोमीटर में आएगा, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ईसा ट्रेवल बाई वॉकिंग 2.15 किलोमीटर, ईसा ट्रेवल बाई नेक्स्ट बस, वो बस से कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 30.25 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, एंड ईसा ट्रेवल बाय लोकल ट्रेन। अब लोकल ट्रेन से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लोकल ट्रेन, ट्रेन से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 5.75। ये थोड़ा उल्टा हुआ है, इसको ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। यहां पर होगा 5.75, यहां पर होगा, और लोकल ट्रेन से डिस्टेंस ट्रेवल करती है 30.25। ठीक है, ये इनकी डिस्टेंस हो गई। अभी क्या करना है, यहां पर एक जीरो से आगे बढ़ा देंगे, यहां पर भी जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब क्या करना है, इन सबका सम फाइंड करना है, इनको ऐड कर लेंगे हम। 5 + 5 + 5 15 होगा, 1 कैरी होगा, 7 + 3 = 10 + 1 = 11, 1 कैरी होगा, पॉइंट लगाएंगे यहां पर, 5 + 2 = 7 + 1 = 8, नेक्स्ट यहां पर होगा 3, 38.15, बट ये किलोमीटर में आया है। ठीक है, ये किस में आया, किलोमीटर में आया, इसी को हमें चेंज करना है मीटर में, तो हम क्या करेंगे, 38.15 × 1000, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 38150। अब देखना, ये जो डबल जीरो है, यहां देखना जो डेसिमल लगा हुआ है राइट साइड से, आफ्टर टू डिजिट लगा हुआ है, यहां पर डेसिमल है, इसका डबल जीरो इस डेसिमल को हटाने में यूज होगा, बिकॉज यहां पर जो डेसिमल है आफ्टर टू डिजिट है राइट साइड से, और एक जीरो हम ऐसे लिख लेंगे, ये आएगा मीटर में, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बेटा आप लोग क्लास बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, कल से हम ज्वाइन नहीं कराएंगे, आप लोगों को डिनाई कर देंगे। ठीक है, आप लोग टाइम से क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं। क्या क्वेश्चन नोट हो गया, मैं इरेज कर दूं, इरेज कर दूं इसको। आप लोगों को बताना चाहेंगे, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना,
भावना परचेज बुक फॉर रुपीज 47.50, अ पेन फॉर रुपीज 9.50 एंड अ पेंसिल फॉर रुपीज 13.50, हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड इन ऑल। बताना है भावना कितने रुपए टोटल खर्च की है, इनको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में टोटल ऐड कर देना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, आपको ऐड करना है। जब आप ऐड कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट के जैसा ही है, सेकंड क्वेश्चन को हम लेफ्ट कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको करना होगा होमवर्क में, उसको छोड़ दे रहे हैं और उसके बाद हम बताएंगे अभी थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको अरेंज कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड आपको करना होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है ये। अ शॉपकीपर सोल्ड 55.050 केजी ऑफ राइस ऑन मंडे, 72.500 केजी ऑफ राइस ऑन ट्यूसडे एंड 63.5450 केजी ऑफ राइस ऑन वेडनेसडे। हाउ मच राइस इन ऑल डिड द शॉपकीपर सेल। ओके, आपको फाइंड आउट करना है शॉपकीपर 3 डेज में कितना राइस, कितना चावल बेचा है, ये आपको बताना है। अब देखना शॉपकीपर जो है मंडे को कितना राइस बेचता है,
55.050 केजी किलोग्राम, एंड नेक्स्ट डे ट्यूसडे को उसने 72.500 केजी चावल बेचा है। उसके बाद वेडनेसडे को उसने फिर 63.450 केजी राइस उसने बेचा है। बताना है तीनों दिन में उसने कितना राइस टोटल सेल किया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं क्वेश्चन को। शॉपकीपर सोल्ड, उसने बेचा है, शॉपकीपर सोल्ड राइस ऑन मंडे। मंडे को उसने कितना सेल किया है? 55.050 केजी, इतना राइस उसने मंडे को सेल किया है। नेक्स्ट डे उसने फिर शॉपकीपर सोल्ड राइस ऑन मंडे के बाद क्या है, उसने ट्यूसडे को सेल किया है। ट्यूसडे को कितना उसने राइस सेल किया है? 72.500 केजी, ठीक है, इतनी राइस उसने ट्यूसडे को सेल किया है। नेक्स्ट है वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितनी राइस उसने सेल किया है? 63.450 केजी ना, इसने तीनों दिन इतने राइस सेल किए। आप बताना टोटल उसने कितना सेल किया है, हमें टोटल फाइंड आउट करना है। तो अभी देखेंगे यहाँ टोटल जो फाइंड करेंगे क्या करना होगा, इनको ऐड करना होगा, इनका सम फाइंड करना होगा। देखते हैं, 0 प्लस 0 यहाँ 0 होगा, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी होगा, 5 प्लस 4 1 9 प्लस 1 10 की हो जाएगा, 1 कैरी होगा, 5 प्लस 1 6 प्लस 5 11, 1 कैरी होगा, 7 टू जो 14, 14 प्लस 5 19, तो 191 केजी राइस उसने टोटल सेल किया है, बेचा है। दुकानदार ने कितना राइस बेचा है, सोल्ड किया है? 191 केजी राइस उसने बेचा है टोटल, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो बेटा ये आज लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आज टोटल आपके तीन ही क्वेश्चन हो पाए हैं, कल हम इसको फिनिश करेंगे। आप लोग क्वेश्चन अभी हम आपके, ओके थैंक यू, अभी हम आपके व्हाट्स 4.3 का व्हाट शुड बी एडेड टू 18.765 टू गेट 30। बेटा 30 से 18.765 माइनस कर देना है। कैसे माइनस करेंगे, लिखेंगे 30.000, उसके नीचे लिखना है 18.765, बस माइनस कर देना है। क्या समझ में आया? 4.3 का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू 18.765 टू गेट 30। हम 18.765 में क्या ऐड करें कि हमें आंसर 30 मिल जाए, हम क्या करेंगे, 30.000 से 18.765 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी गेट फाइनल आंसर। ओके, वो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। क्या समझ में आया? ओके थैंक यू बेटा, क्लास को हम लेफ्ट कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही होगा।